वेलकम दोस्तों, मार्च का महीना गर्म था लेकिन अप्रैल का महीना उससे भी ज्यादा गर्म हो सकता है। आज आपको मैं बढ़िया बढ़िया फोन्स के बारे में बताऊंगा जो इंडिया में, हाँ स्पेसिफिकली आपको याद है हमारा ये जो वीडियो होता है सिर्फ इंडियन मार्केट की बात करता है, क्योंकि ग्लोबली बहुत सारे फोन्स लॉन्च होते हैं और इन समय को मतलब नहीं है, इंडियन मार्केट से मतलब है। तो अप्रैल के महीने में इंडिया में कौन से फोन्स लॉन्च होंगे आज आपको मैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। जरा वेस्ट नहीं करते, शुरुआत करते हैं पोको से। पोको F5 इंडिया में बताया जा रहा है कि अप्रैल के महीने में लॉन्च होने वाला है। वैसे ये हिमांशु टंडन जो पोको के इंडिया हेड है, उन्होंने ट्वीट करके बहुत सारे टीजर्स दिए थे कि किंग इज बैक और वो ब्रॉक लेसनर वाला F5 वाला है ना फिनिशर, हाँ तो ये हिंट दे रहा है हमें डेफिनेटली कि पोको F5 बड़ी ही जल्दी आएगा और वो अप्रैल में आने वाला है, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, 5000 एमएच बैटरी और 67 वोल्ट चार्जिंग, वैसे और भी बहुत सारी चीजें होने वाली है। और बताया जा रहा है कि ये बहुत ही एग्रेसिवली प्राइस होगा, क्योंकि हिमांशु टंडन वो खुद बोल रहे हैं कि किंग इज बैक या किंग आने वाला है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद प्राइस थोड़ी एग्रेसिव हो सकती है, क्योंकि मार्केट में स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 के चर्चे बहुत है, प्रीमियम मिड रेंज फोन्स हमें बहुत मिल रहा है। देखते हैं कि पोको वाले इससे क्या खास करते हैं, F5 से अप्रैल में ही पता चलेगा। OnePlus की तरफ से बताया जा रहा है कि OnePlus का Nord CE3 Lite इंडिया के अंदर अप्रैल में लॉन्च होगा। वैसे लीक भी हुआ था कि 4 अप्रैल को ये फोन लॉन्च होने वाला है। बेसिकली ये OnePlus Nord CE2 Lite जो आया था उसका सक्सेसर होगा, लेकिन मैं आपको यहां पर सिंपल कर देता हूं समझने के लिए। जैसे कि Realme 9 Pro और Realme 10 Pro है ना, सेम चिपसेट, थोड़ा बहुत इंक्रीमेंटल अपडेट, वैसे ही OnePlus Nord CE2 Lite, OnePlus Nord CE3 Lite इंक्रीमेंटल अपडेट, सेम चिपसेट वगैरह होगी, थोड़ा बहुत चेंजेस यहां हुआ होगा, तो ये आएगा अंडर 20,000 की कैटेगरी पर जो कि अप्रैल में आ रहा है। लेकिन OnePlus Nord 3 के बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है। अब चाइना में जो OnePlus का CS2V करके कोई फोन लॉन्च हुआ था उसका ही रीब्रांड होगा जो Dimensity 9000 वगैरह है, तो शायद अप्रैल में या उसके बाद आ सकता है, लेकिन Nord CE3 Lite का मुझे पता है तो ये हमें अप्रैल में देखने को मिल सकता है। Realme GT Neo 5 सीरीज चाइना में पहले लॉन्च हुए थे लेकिन ग्लोबली Realme GT 3 के नाम से गए थे। हमने MWC बार्सिलोना में गए थे, कवर किया था, यहां पर कार्ड देता हूं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। अब ये इंडिया में दोस्तों आने वाला है और बताया जा रहा है कि Realme GT 3 नाम से ही आ सकता है और ये अप्रैल में आने वाला है। जी हाँ, अब इसके बारे में एकदम कंफर्मेशन नहीं है लेकिन ज्यादातर यही है कि ये फोन अप्रैल में आएगा, जिसमें 240 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग होगी, कमर्शियली अवेलेबल होगा और भी बहुत सारे वो रिंग लाइट जो उन्होंने कैमरे की तरफ दिया है, ये सारी चीजें भी होने वाली। तो देखते हैं कि भाई Realme GT 3 वाकई में आता है और क्या प्राइस होती है इसमें, क्योंकि चिपसेट तो स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 है, ये तो एग्रेसिव हो उसी का उम्मीद करते हैं। अभी तक आपको वीडियो कैसे लगी, अच्छा लग रहा है जो हमने फोन्स बताया, आपको अच्छे लगे होंगे तो सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, ऐसे हर महीने वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। Vivo X90 सीरीज, जी हाँ, काफी टाइम से इसका इंतजार कर रहे हैं, फाइनली अप्रैल में लॉन्च होगा। इंटरनली समझ लीजिए हमने पूछा है तो अप्रैल में ही आपको मिल जाएगा। Vivo X70, Vivo X80 कैमरा स्पेसिफिक फोन्स थे, बहुत ही पावरफुल कैमरास था, हमने सैमसंग एप्पल पिक्सल के फ्लैगशिप से कंपेयर किया था और उसने टक्कर दिया था, वैसे ही X90 सीरीज होगी, X90 या X90 Pro या इधर मुझे लगता है कि शायद एक ही आएगा Vivo X90 Pro, जिनमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 होगा या इधर Dimensity वाला चिपसेट दे सकते हैं और कैमरा बहुत ही किलर होगा। तो हम आपको अनबॉक्सिंग करके बताएंगे और इस बार दिखाएंगे कि Vivo वाले X90 सीरीज को लेके क्या खास करते हैं। Samsung Galaxy M54, Samsung ने हाल ही में अपने कुछ फोन्स लॉन्च किए लेकिन एक फोन बच गया है और वो है उनकी M सीरीज का लेटेस्ट M54, जिसमें होगा उनका Exynos 1380। जी हाँ, वो अभी Exynos को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी के साथ साथ आपको 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले, बड़ी बैटरी होगी इस बार 6000 mAh की ऐसा बताया जा रहा है और 64 मेगापिक्सल कैमरा, 32 मेगापिक्सल सेल्फी वगैरह वगैरह। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, वैसे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये लिस्ट हो गया था, उससे ये चीख चीख के खुद बोल रहा है कि भाई मुझे आने दीजिए और अप्रैल मुझे लगता है इसके लिए सही महीना होगा। Vivo वाले अपने T2 सीरीज को इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं अप्रैल में, इसके बारे में फिलहाल के लिए ज्यादा कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी जहां तक मुझे लगता है ये फोन आ सकता है, क्योंकि T1X आया, T1 थोड़ा 15,000 से 20,000 के बीच की कैटेगरी का था, स्नैपड्रैगन 695, T1X थोड़ा अलग था, 15,000 के नीचे था, लेकिन T2 जो आएगा ये भी अराउंड 20,000 की रेंज का हो सकता है, जिसमें इस बार इधर Dimensity 900 सीरीज, जैसे 920, 930 या फिर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 778G समथिंग मिलेगा। तो देखते हैं कि Vivo वाले T2 के साथ क्या खास करते हैं, और बोल भी देखिए AMOLED और हायर रिफ्रेश रेट वाली आपको डिस्प्ले मिलेगी। तो अंडर 20,000 मार्केट बहुत गर्म है, बहुत कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, अब इनमें Vivo कहां खड़ा होता है ये तो T2 से ही पता चलेगा। Oppo वाले भाई ये भी आ रहे हैं अप्रैल में, उन्होंने Reno 9 सीरीज तो इंडिया में स्किप कर दिया, आई डोंट नो व्हाई, हो सकता है OnePlus के चक्कर में, 11R और ये सब फोन्स काफी मिलते जुलते थे इनके Reno 9 सीरीज से, तो उन्होंने बोला है कि सीधे हम Reno 10 सीरीज ही यहां पर लेके आएंगे, और ये कंफर्म आपको बताता हूं मैं, क्योंकि ये चीज हमने खुद बात किया था Oppo से कि 10 सीरीज इंडिया में आ रही है, तो इधर अप्रैल या मई, लेकिन ज्यादातर मुझे लगता है कि अप्रैल में ही आपको Oppo Reno 10 सीरीज मिलेगी, इनमें दो हो सकते हैं या इधर तीन हो सकता है, Reno 10
प्रो प्रो प्लस, जिनमें डायमेंसिटी 8200 या इधर स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 या जो लोअर वाला होगा उसमें आपको स्नैपड्रैगन 7 सीरीज वाली कोई चिपसेट मिल सकती है। अब इनमें कर्व डिस्प्ले होता है, हाई रिफ्रेश रेट होती है, दिखने में अच्छे होते हैं और स्पेसिफिकली इनका कैमरा थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि ये R&D करते रहते हैं। तो देखते हैं कि ओप्पो रेनो अपने 10 सीरीज को लेकर क्या खास करता है। प्राइसेस तो ज्यादा ही होती है बट आएगा आपको सब बताएंगे। इन्फिनिक्स बाबू भी ऐसा लग रहा है कि अप्रैल में शायद अपना एक बजट स्मार्टफोन लॉन्च कर सकते हैं, इन्फिनिक्स का स्मार्ट 7HD। जी हाँ, ये अराउंड 7-8,000 की रेंज का हो सकता है। बाकी कुछ श्योर नहीं है कि इन्फिनिक्स वाले और क्या खास फोन लॉन्च करेंगे, लेकिन उनका जो 260 वॉट वाला जो चार्जिंग वाला वो लीक हुआ था वगैरह, वो फोन शायद अप्रैल में नहीं आएगा, ये मैंने खुद उनसे कंफर्म किया। हो सकता है वो थोड़ा और एक दो महीने लग जाए, लेकिन एक बजट कैटेगरी का फोन इन्फिनिक्स का आ रहा है जो कि अच्छा है कि लोग इस प्राइस पर अच्छा मेहनत कर लेते हैं। बाकी आएगा जो भी होगा आपको सब बताएंगे। तो ये वो सारे फोन्स थे जो अप्रैल के महीने में इंडिया में लॉन्च होंगे। खुद हम भी यहाँ पर इंटरनली कंफर्म करके आपको बताते हैं बहुत सारे फोन्स के बारे में जो शायद आपको और कहीं नहीं पता चलता होगा। तो इस वीडियो को सीरियसली लेना, हर महीने हम आते रहते हैं। और आप कमेंट में बताइए कि आपको इनमें से कौन सा फोन पसंद है या किसका इंतजार कर रहे हैं वगैरह, आपकी चॉइस है जो भी है। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।